नेक्स्ट टॉपिक इज द सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल. सी पहले जेनेटिक मटीरियल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बायोलॉजिस्ट के पास, साइंटिस्ट के पास नहीं थी. हम आज जानते हैं कि जेनेटिक मटीरियल हमारा डीएनए है, लेकिन ये चीज़ें हमें बताई गई हैं. जिन लोगों ने डिस्कवर किया उनको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े ये जानने के लिए कि एक्चुअल जेनेटिक मटीरियल क्या है. ओके, जो मॉलिक्यूल कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक लेकर आ रहा है वो मॉलिक्यूल क्या है. तो जो सर्च था जेनेटिक मटीरियल का वो बाय द ईयर 1926 मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच चुका था. तो इसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से हम उसको जानते हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था इन द ईयर 1928. उन्होंने एक बैक्टीरिया में काम किया था जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. ये सेम वही बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है. इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स होते हैं, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन. एस स्ट्रेन वायोलेंट होता है क्योंकि ये अपने चारों तरफ एक पॉलीसैकेराइड का म्यूकस जैसा एक कोट बनाता है. आर स्ट्रेन नॉन वायोलेंट होता है और ये रफ अपीयरेंस इसका नजर आता है जब हम इसको लैब में ग्रो कराते हैं. इसकी जो कॉलोनीज बनती है एस स्ट्रेन की वो स्मूथ और शाइनी बनती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस कोट ओवर इट. इसलिए इसको एस स्ट्रेन बोलते हैं और ये आर स्ट्रेन है. ये वायोलेंट है, ये निमोनिया कॉज करता है. ये नॉन वायोलेंट है, ये निमोनिया कॉज नहीं करता है. तो जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने माइस के अंदर एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, एस स्ट्रेन क्योंकि वायोलेंट है तो माइस की डेथ हो गई. जब आर स्ट्रेन को उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो उनकी डेथ नहीं हुई क्योंकि आर स्ट्रेन नॉन वायोलेंट है. Then Griffith was able to heat the bacterial cells and then eventually kill them. तो heat करके उन्होंने S strain को kill किया और फिर heat killed S strain को उन्होंने mice के अंदर inject किया जिससे mice की death नहीं हुई, they lived. फिर उन्होंने क्या किया, heat killed S strain को लिया और उनको mix किया लाइव आर स्ट्रेन के साथ. तो थियोरेटिकली क्या होना चाहिए था, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माइस की डेथ नहीं होगी, माइस जिंदा रहेंगे क्योंकि एस स्ट्रेन जो लिया था उन्होंने हीट किल लिया था, मतलब उसको हीट करके किल कर दिया था. तो ये भी वायरोमेंट नहीं था, डेड हो गया बैक्टीरिया, निमोनिया कॉज नहीं करेगा. और आर स्ट्रेन तो पहले भी निमोनिया कॉज नहीं करता है तो माइस को निमोनिया नहीं होना चाहिए था. लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देखे. माइस डाइड व्हेन दे वर इंजेक्टेड विद अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया. और उन्होंने जब ये रिजल्ट देखा तो उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इस केस में माइस की डेथ क्यों हुई. तो उन्हें उन माइस के अंदर से लिविंग एस बैक्टीरिया मिला. लिविंग एस बैक्टीरिया मतलब जो उसके अंदर इंजेक्ट किया ही नहीं था वो बैक्टीरिया उसके माइस के अंदर से उनको मिला. तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये तो डेड था बैक्टीरिया, जो मर गया है वो जिंदा तो दोबारा नहीं हो सकता. तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो आर स्ट्रेन था ये ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू एस स्ट्रेन क्योंकि उनको जिंदा एस बैक्टीरिया मिला था माइस के अंदर से. तो जो मतलब वायरोमेंट था और वैसे ही स्मूथ शाइनी कॉलोनीज बना रहा था जैसे एस स्ट्रेन बनाता है. तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था इसने यहां से डेड एस बैक्टीरिया से कुछ मॉलिक्यूल अपने अंदर लिया और ट्रांसफॉर्म हो गया और अपने आप को बना लिया, मतलब ट्रांसफॉर्म कर लिया इनटू लाइव एस बैक्टीरिया. वो आर से एस बन गया कुछ मॉलिक्यूल को अपने अंदर लेकर. और वो मॉलिक्यूल उसको कहाँ से मिला, डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया. तो उन्होंने ये कहा
कि जरूर ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, मतलब जो मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म कर रहा है आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, यही जेनेटिक मटीरियल है। लेकिन वो जेनेटिक मटीरियल बायोकेमिकली क्या था, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बायोकेमिकली क्या था, ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे।